हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। आज मैं बात करूँगा उस टॉपिक के हवाले से जो कि माइग्रेशन के रिलेटेड भी है और आपके पर्सनल लाइफ की रिलेटेड भी है, क्योंकि ये सारे उन चीज़ों पे मबनी है जो एक्सपीरियंसेस मैंने लिए लोगों से इंटरेक्शन करके। एक कि जब मैं किसी से ये क्वेश्चन करता हूँ व्हाट डू यू वांट, तो वो क्या जवाब देते हैं। दूसरा, हाउ टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अच्छा, जब मैं आम तौर पे किसी से पूछता हूँ कि यार आपको क्या चाहिए, आने वाले दिनों में क्या चाहिए, 4-5 सालों में आप क्या करना चाहते हैं, तो वो मुझे ये बताना शुरू कर जाते हैं कि क्या उनको नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे ये ऐसा ही है, आप किसी प्यासे से ये पूछें कि भाई आप प्यासे हो, आपको पीने के लिए क्या चाहिए, वो आपको बताना शुरू कर दे यार मुझे कोका कोला नहीं पीना, मुझे पेप्सी नहीं पीनी, मुझे रेड बुल नहीं पीना, मुझे पावर एड एटसेट्रा एटसेट्रा मुझे नहीं पीना। तो मैंने तो उससे ये बात पूछी नहीं है, मैंने उससे सिंपल एक सवाल किया है कि आपको क्या चाहिए। हालांकि जब मैं उसको पानी पेश करूं तो वो कहेगा हाँ यार मुझे ये चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर इसको कैसे आप रिलेट करते हैं माइग्रेशन के अंदर। माइग्रेशन से इसको इस तरह रिलेट किया जाता है कि जब मैं किसी से ये पूछता हूं कि भाई आपको क्या चाहिए, तो वो ये कहेंगे अच्छा मुझे ना ये नहीं चाहिए, मुझे स्टेट चेंज नहीं करनी, मुझे यूनिवर्सिटी चेंज नहीं करनी, मुझे उस कॉलेज नहीं जाना, मैंने ये कोर्स नहीं लेना। और भाई मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि आपको क्या नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या। तो अच्छा, कुछ लोगों का ये चीज़ों का सवालों का जवाब तो होता है, वो कहते हैं जी मुझे पीआर चाहिए। अच्छा जी बिल्कुल पीआर चाहिए, तो क्या आपने उस पीआर के लिए या आप सब क्लास 491 के लिए जाना चाह रहे हैं या एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड वीज़ा के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आपको उसके बारे में क्या पता है। एंड दे नो नथिंग। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये साहब आए हैं, कुछ 4-5 साल तो इनको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हो गए हैं, लेकिन गलत फैसले जो उन्होंने खुद लिए किसी के मशवरे पे या शायद अपनी इमेजिनेशन के बेसिस के ऊपर ये सारे उन्होंने फैसले लिए और कुछ फेलियर्स आए और उसमें वो घबरा गए कि भाई ये फेलियर्स आ गए, ऑस्ट्रेलिया ठीक मुल्क नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल वो ब्लेम गेम जो है ये सबसे आसान काम है। तो कहना ये चाहता हूँ कि आपको जो चाहिए, एक तो आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए, दूसरा कामयाबी के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है, पैशन ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ लोग वो मिसिंग कर जाते हैं, वो है डायरेक्शन। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है, आपके पास मोटिवेशन भी है, आपके पास पैशन भी है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो आप एक व्हील की तरह रोल करना स्टार्ट कर देते हो एंड यू गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अब कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप जहाँ मर्जी चलते जा रहे हैं और यू ड्रिफ्ट अवे विद द विंड और कहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया ठीक मुल्क नहीं है। अच्छा, फिर इस पे आते हैं कि आपको चाहिए क्या। अच्छा, मुझे पीआर चाहिए। अच्छा, पीआर चाहिए, तो पीआर के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको कैसे चाहिए, बिकॉज यू आर नॉन सिटीजन हियर। अच्छा, मैंने ये पढ़ रखा है, तो क्या आपने देखा कि ये एसवेल लिस्ट में है, नहीं देखा। क्या आपको पता है कि इसकी असेसमेंट भी होती है, नहीं पता। अच्छा, असेसमेंट क्या होती है, इसके ऊपर जो बड़ा शौक होते हैं, 3-4 साल हो गए हैं, पीआर चाहिए लेकिन असेसमेंट का नहीं पता असेसमेंट क्या होती है। अच्छा, मैंने तस्मैनिया नहीं जाना। और भाई तस्मैनिया जाना है या नहीं जाना, इसके ऊपर आप मेरिट्स पे फैसले करें, ना के सुनी सुनाई बातों के ऊपर ये रिलाई ना करें आप। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो रजिस्टर्ड नर्स है, ठीक है, अब उसको तस्मैनिया जाना बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, वहां पे उसको आसानी से पीआर मिल जाएगी। लेकिन एक बंदा है, उसकी ऑक्यूपेशन ऐसी है जो कि तस्मैनिया में डिमांड में नहीं है, तो उसको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो भाई अपने आप को रिलेट ना करें किसी के साथ कि फलां को पीआर नहीं मिली या फलां को जो है वो सब क्लास 491 नहीं मिला तो मुझे भी नहीं मिलेगा। भाई आपका प्रोफाइल अलग है, उनका प्रोफाइल अलग है। अच्छा, एक बंदा 10 साल से यहां बैठा हुआ है और वो 10 सालों में भी पीआर नहीं ले सका, लेकिन उसको ये लगता है और ये गलत फहमी उसने पाल रखी है और ये गलत फहमी बेच भी रखी है अपने दोस्तों के अंदर, भाई मुझे बड़ा पता है, भाई तुझे पता होता ना तूने कर लिया होता, सेक्शन 48 लेके ना बैठा होता। एक तो ये। अच्छा, दूसरा रिस्पेक्ट योरसेल्फ। रिस्पेक्ट योरसेल्फ का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को ठीक है सिर्फ तमीज से बुलाएं, बिल्कुल करना चाहिए, अपने आप को मैं की बजाय हम कहना शुरू कर दें, इसका कतई ये मतलब नहीं है। रिस्पेक्ट योरसेल्फ का मतलब ये है कि आपको अल्लाह ताला ने एबिलिटीज़ दी हुई हैं, आपको एबिलिटीज़ दी हुई हैं कि आप सोच सकें, आप ऑब्जर्व कर सकें, आपके पास नॉलेज है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया आ पाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट हो जाते हैं और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से होते हैं, तो
आप ब्लेस्ड हैं काइंड ऑफ, अगर आप देखें उस कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को देखें तो यू आर ब्लेस्ड। अच्छा, अब होता क्या है कि आपने अपनी जो एबिलिटीज हैं, अपनी काबिलियत है, अपना नॉलेज है, उसको आप यूज कम और अब्यूज ज्यादा करते हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने आप को, अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यू आर सेलिंग योर सेल्फ फॉर चीपर। कैसे? अब आए हैं वहां से, ओवरसीज से आपने ग्रेजुएशन की है इंजीनियरिंग के अंदर। अब इंजीनियरिंग में आप यहाँ पे ना एडमिशन लेके आ गए मास्टर्स के अंदर, मास्टर से आपने उसको टच भी नहीं किया और कोर्स चेंज कर लिया। अच्छा, सोचे समझे बगैर कि भाई मैं कोर्स चेंज तो कर लिया, अब आगे क्या? कोई बात नहीं यार, दो साल है, दो साल में कुछ ना कुछ कर लेंगे। भाई अगर आपकी प्लानिंग नहीं है ना, तो दो साल में कुछ ना कुछ पता क्या होगा, आपका टाइम ज़ाया होगा। आप बेसिकली अपना प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ आप उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, वेस्ट करेंगे, और उसके बाद एक और जो है वो रोलिंग होनी शुरू हो जाएंगी चीजें कि आगे करना क्या है। अच्छा ठीक है, आपने कोर्स अगर चेंज कर लिया तो बैचलर्स की बेस के ऊपर असेसमेंट ले लें। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि जब आप इंजीनियरिंग में आए हैं, मास्टर्स में आए हैं, कोर्स चेंज भी कर लिया या नहीं किया, तो बैचलर्स की बेस के ऊपर आपके पास दो तरीकाकार हैं, आप असेसमेंट करवा सकते हैं। आप वाशिंगटन अकॉर्ड वाले हैं तो आप बिल्कुल असेसमेंट करवा सकते हैं बगैर CDR के। अगर आपके पास CDR उसकी ज़रूरत है और आप वाशिंगटन अकॉर्ड वाले नहीं हैं, तो CDR लेके असेसमेंट करवाएं। और तभी से फ्रॉम द डे वन आप कोशिश ये करें कि कहाँ पे आपकी उस असेसमेंट की जो ऑक्यूपेशन है उसकी ज़रूरत है, तो आप उसके ऊपर होमवर्क करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, होमवर्क के बाद रिसर्च जो है ना, वो हमारी जो है ना, हम कंफ्यूज करते हैं गूगल रिसर्च को किसी के नॉलेज के साथ या एक्चुअल नॉलेज के साथ। अच्छा हुआ ये कि भाई साहब के पास लेनी तो इन्होंने PR है, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं कि खुद से रिसर्च भी कर सके। पूछ लेंगे किसी से कि भाई आप बता दो यार, अगर ऐसे ऐसे होगा तो क्या होगा। भाई वो एक्सपर्ट नहीं है, आपको ये चाहिए या तो किसी एक्सपर्ट फोरम के साथ जुड़ जाएं या किसी एक्सपर्ट बंदे के साथ जुड़ जाएं, लेकिन कम से कम एक्सपर्ट ओपिनियन लें। और अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है तो उससे कम से कम रेफरेंस जरूर मांगे कि भाई आप ये जो बात कर रहे हैं वो किन बुनियाद पे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में एवरी पासिंग डे लॉस चेंज होते हैं, पॉलिसी चेंज होती हैं, उसके अलावा 491 है, 190 है, उसके साथ कंडीशंस कभी वो ख़त्म कर देते हैं, कभी ज़्यादा कंडीशंस लगा देते हैं। तो आपको अप टू डेट रहना है अगर आपको एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड माइग्रेशन चाहिए। अगर नहीं चाहिए फिर तो आप जो मर्जी करें, आप आए हैं आके बस ठीक है, हैव फन, काम करें, पैसे कमाएं और जो मर्जी करें, लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ कि आपको अपनी एबिलिटीज को रिस्पेक्ट करना है, अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है। तो दो सवाल, एक व्हाट डू यू वांट, अगर आपको एक्चुअल में ये पता है तो प्लीज आप उसके ऊपर अमल करना स्टार्ट कर दें। दूसरा कि अगर आपको नहीं पता तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग व्हाट डू यू वांट, और उससे अगला ये कि भाई अगर मैं ये चाहता हूं तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। दूसरा, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योर एबिलिटीज कि आप अपनी एबिलिटीज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टॉपिक थोड़ा माइग्रेशन से हटके भी है, रिलेटेड भी है थोड़ा बहुत उसके साथ, लेकिन दिस इज मोर लाइक पर्सनैलिटी के आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या काम कर रहे हैं। माइग्रेशन जो है ये प्रोसेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बेस के ऊपर इसको किया जा सकता है, लेकिन ये कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि या नामुमकिन में ये चीज़ें नहीं आती, सारी चीज़ें दिमाग के अंदर, इमेजिनेशन के अंदर बनी होती हैं। तो आप अपने आप को इन दो सवालों को अगर एड्रेस कर लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपने बहुत बड़ा मसला ना सिर्फ अपने लिए माइग्रेशन के परस्पेक्टिव से हल कर लिया, बल्कि अपने लिए ज़िंदगी में आने वाले और मसाइल भी हल कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। थैंक यू।